हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज का वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज देखिए हमारे घर कौन कौन आता है मेहमान। तो चलिए सबसे पहले ये वीडियो में बता दूँ, ये वीडियो है शुक्रवार की, यानी कि जिस दिन प्रदोष था उस दिन की वीडियो है, तेरस के दिन की। तो इस दिन मैं हूँ व्रत, क्योंकि देखिए सावन में जो प्रदोष पड़ता काफ़ी शुभ माना जाता है, तो मैं अपना प्रदोष व्रत हूँ। पिछला तो मेरा एक दो प्रदोष छूट गया था जो चोट लगी थी इसके वजह से, लेकिन अब मेरा काफ़ी हद तक सही है। तो मैं अपना व्रत मतलब आज हूँ, आज का भी रहूँगी और एक प्रदोष और आएगा सावन में, तो वो वाला भी प्रदोष मैं अपना रहूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए आप लोग के साथ मैं आज अपना पूजा वाला रूटीन शेयर कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं अपने भोलेनाथ को, शंकर जी को, नीचे मतलब जो टेबल है ना, तो उस पर उनका आसन लगा के उस पर पूजा करती हूँ। जैसे कि जैसे मैं बृहस्पतिवार भी रहती तो इसी तरह से मैं पूजा करती। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो तो आप लोग को पता होगा। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए दोस्तों, आप लोग कल के वीडियो में बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट किए हो कि जो मेरा गला बैठा है या सर्दी हुई है ना, तो मैं गर्म पानी, चाय सब ले रही हूँ, लेकिन देखिए सर्दी है ना तो एक दो तीन दिन तो परेशान करती है और उसके बाद अपने आप सही हो जाती है, लेकिन गला थोड़ा बैठा है, लेकिन ये भी एक दो दिन में सही हो जाएगा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैं दिया लगा दे रही थी भगवान जी को, ऊपर भी दिया लगा दूँगी और नीचे जो। तो यहाँ पे मैं सोची चलो आज आप लोग के साथ अपना पूजा का थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सब भगवान जी को मैं कान्हा जी को स्नान करा दी थी, कान्हा जी को स्नान करा के उन्हें उनके आसन पे बैठा दी थी। फिर यहाँ पे मैं जो अपना पूजा है तो उसे भी करूँगी और उसके बाद ना इसमें तो कथा पढ़नी होती है, क्योंकि प्रदोष में कथा होती है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती, बहुत छोटी सी कथा होती है, एक पेज की रहती है कथा, तो उसे मैं पढ़ लूँगी और उसके बाद फिर चलूँगी जो भी अपना घर में जैसे चाय वही सब करना रहेगा तो उसे करूँगी। और सावन का समय है, सावन में तो सब मंदिर वंदिर जाते हैं, मैं भी हर बार जाती थी मंदिर वंदिर, अब इस बार मेरा हाथ ही नहीं, अगर कहीं भी किसी भी मंदिर में जाए तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि भीड़ में मेरा जाना बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि भीड़ में ज़्यादा अगर धक्का लगेगा तो हाथ में मेरे ज़्यादा चोट लग सकती है और ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए इस बार मंदिर तो नहीं गई, लेकिन जो है मैं अपना विधि विधान जैसा भी आता है मैं अपना घर में ही पूजा कर लेती हूँ। बस यहाँ पर देखिए मेरे कान्हा जी भी एकदम तैयार होके बैठे, कितने सुंदर से लग रहे देखिए, और मेरे मतलब सब पूजा उजा हो गई थी। ये देखिए यहाँ पे शंकर जी हैं, इनकी पूजा अच्छे से करने के बाद, और जल में नहीं गई थी बाहर चढ़ाने, क्योंकि मैं मैक्सी पहने रहती ना तो इसी वजह से मैं बाहर नहीं जाती हूँ, जल रखे रहती हूँ तो मम्मी चढ़ा देती हैं। तो बस वहाँ से आने के बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ दाल, चाय तो पी चुकी थी, आज चाय का ब्लॉक नहीं बनाई क्योंकि ना सर्दी हुई थी और सर्दी में बिल्कुल भी जैसे मन नहीं करता है कुछ भी करने का। तो सबसे पहले इनको सबको बना दी थी पोहा, क्योंकि आज ये भी दुकान नहीं गए हैं, और ये दुकान क्यों नहीं गए हैं अभी मैं आप लोग से बताऊँगी। तो बस ये मतलब आज ये भी दुकान नहीं गए थे और जिस वजह से फिर अब देखो घर पे हैं तो भाई नाश्ता, बच्चे भी हैं तो सबको मैं कही चलो पोहा बना देती हूँ, तो इनको सबको पोहा मैंने थोड़ी सी नमकीन वगैरह डाल के दे दी थी और उसके बाद मैं करने लगी थी खाना की तैयारी। तो खाना में देखिए बना था दाल चावल और भिंडी की आलू की भुजिया और रोटी, और प्रदोष में नमक तो मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि शंकर जी के व्रत में बहुत लोग नमक नहीं खाते हैं, और मैं बस इसमें प्रदोष में नहीं खाती, जब सावन का सोमवार रहते हैं ना तो उसमें मैं खाती हूँ नमक। तो बस यहाँ पे देखिए साथ ही साथ मेरी दाल भी बन गई थी, और दाल पहले भिंडी की भुजिया छौंक ले रही थी और उसके बाद रोटी सेक लूँगी, बाकी जो और काम रहेगा, क्योंकि इन्हें पोहा तो ज़रूर दे दी हूँ बना के ना, लेकिन इन्हें खाना भी समय पे ही चाहिए, इनका खाना नहीं लेट होना चाहिए। तो मैं भी अपना चाय पी ली थी, चाय पीने के बाद मुझे तो बस सुबह सुबह चाय चाहिए रहता है व्रत में, मुझे और कुछ नहीं। और उसके बाद ना आज मुझे भिंडी की भुजिया में ना मेरे से थोड़ा नमक करी तेल ज़्यादा हो गया था, तो मैं बगल बगल भुजिया कर दी तो बीच में सारा तेल इकट्ठा हो गया था ना, तो भिंडी की भुजिया मैं सब एक टिफिन में निकाल के रख दी थी, और जो इसमें एक्स्ट्रा तेल है ना तो इसी में मैं छोंक दूंगी दाल को। और तब तक यहाँ पे मम्मी रोटी बेल दे रही थी, तो मैं इसको चलो मैं एक तरफ वो भी सेक लेती हूँ और उसके बाद गैस वैस पोंछ लूँगी, फिर देखो दोपहर में अगर मुझे चाय बनाना रहेगा तो मैं एक कप चाय बना के पी लूँगी। तो बस यहाँ पर इसमें थोड़ा सा तेल और डाल, इस तरह से क्या होता है ना तेल वेस्ट भी नहीं जाता है, और बस मेरे से कभी कभार ज़्यादा होता है, रोज़ तो मेरे से भुजिया में तेल नहीं ज़्यादा होता, आज हो गया पता नहीं कैसे। और यहाँ पर प्रिंसी निकालने लगी थी अपने पापा के लिए खाना, क्योंकि उन्हें
लग गई थी भूख, तो बस यहाँ पे देखिए इसी में मैं दाल छोंक दूंगी और फिर नीचे दे दूंगी। प्रिंसी अपने पापा को निकाल देगी खाना, तो बस यहाँ पे चलिए रोटी वोटी सेकने बाद उसके बाद मैं भी चलूँगी कुछ खा पी लूँगी। और मेरी आवाज़ तो इस समय आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती होगी, लेकिन अब क्या करूँ, अगर वीडियो भी नहीं डालती हूँ ना तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। और उसके बाद कल आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट किए थे कि दीदी आप व्लॉग डाला करो, बहुत लोग मतलब सब अपना अच्छा अच्छा राय देते हैं। तो उसके बाद देखिए ये थे ना, तो एक मतलब आम था, तो एक आम तो मैं दे दे रहा हूँ काट के, उसे खा लो, क्यों चाय मुझे मना की, कहीं चाय मत पियो आम खा लो, तो बस यहाँ पे देखिए मुझे आम दे रहे थे क्योंकि मैं तो काट नहीं पाऊँगी, तो ये दे दे रहे थे आम काट के। और ये आम ना थोड़ा गला हुआ था, मुझे तो नहीं जम रहा था, ये जो काट रहे थे वाला आम सही था। तो उसके बाद देखिए खा पी के फिर मैं भी आ गई थी अपने कमरा में, और ये चले गए थे आगे वाले कमरा में सोने, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपना वीडियो वीडियो एडिट करना होता है ना, तो इन्हें डिस्टर्ब होता है सोने में, एक ही दिन घर पे रहते तो अपना मतलब दिन में सो जाते हैं दो एक दो घंटा के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए प्रिंसी आज बन गई है एकदम छोटी बच्ची, और आज आप लोग प्रिंसी को देखोगे इसका अलग ही रूप, एकदम छोटी से एकदम नटखट सी, जैसे एकदम छोटा सा बच्चा जिद करता है हर एक चीज़ खेलता है ना, आज प्रिंसी उसी तरह से कर रही है। तो अपने लिए बना रही थी एक राजमहल, और इसका महल अभी आप लोग देखोगे तो कहोगे, आप लोग के भी चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ज़रूर आ जाएगी इसका राजमहल देख कर। आइए चलिए, आपका स्वागत है मेरे नए घर में। मीठा सा जाओ, रो जाओ, मम्मी कोने ठकेलते हैं। सॉरी मम्मी, देखिए चल, ये देखिए, अरे यार ये मेरा नया घर, मीठा सा पकड़ो, पैर मैं घुस जाऊँ तभी सामने। तो देखिए मेरा नया घर है, यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे देखिए मैं कुछ कुछ दिख रहा है ना, कुछ कुछ चलता है, मैं ऊपर डालनी हूँ, अगर जैसे रात आएगी आप सोना होगा तो ठक के लीजिए, ना तो दिन है ऊपर कर लीजिए। और यहाँ मैंने कुछ स्पेस छोड़ा है ताकि आप लोगों को रात और दिन का पता चल सके। और देखिए तो यहाँ से मैं अंदर खुशी से देखिए, यहाँ पे एक बेड बन गया, ऊपर एक बेड बन गया, ऊपर का भी ढका है नीचे का भी ढका है, यहाँ चाहे आप देखिए यहाँ पे तकिया भी रखा है, यहाँ पे भी तकिया, बेडशीट भी बिछी है, यहाँ पे भी तकिया है, यहाँ पे भी बेडशीट है, और यहाँ पे मैं भी तकिया ले लूँगी, अभी मैं तकिया ले नहीं थी। और आप तो बच्चे हैं ना, यहाँ से ऊपर कर लेंगे कोई भी आप लोग हवा भी ले सकते मस्त आराम से, और यहाँ से ढक देंगे, यहाँ से खोल के यहाँ से फैन का हवा लेके यहाँ से आप ढक सकते हैं। बहुत सुंदर महल बना, बन गया तुम्हारा एक नया महल, अब यहीं पे मैं लाज करूंगी। हाँ, अपने महल में। हाँ, और यहाँ पे अगर आप कोई छोटा बच्चा यहाँ आज तो मैं एकदम छोटी बच्ची की जैसे खेल रही हूँ ऐसे करो, यहाँ पे किसी छोटे बच्चों को लिखा सकती, यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं बहुत बड़ी हूँ। देखिए आइए, आप लोग का भी स्वागत है मेरे नए घर में। मम्मी की तबीयत बहुत मतलब सही नहीं है, उनको सर्दी हो गई है। क्या हुआ मम्मी, सर्दी हो गई है? कहा है तुम्हें नहीं पता है क्या? नहीं पता था हमको, तो पता था लेकिन आपके प्यारे दोस्तों को नहीं पता था। क्या हुआ? अब मौसम चेंज हुआ है तो सर्दी में गला बैठ गया है इनसे कई चादर बिछाने के लिए, तो बिछाने के बदले अपना नया महल बना के खड़ा कर दी कि प्रिंसी बेटा चादर बिछा दो अच्छे से। हमको चादर बिछाना नहीं आता ना, क्योंकि मैं तो अच्छे से बिछा नहीं पाऊंगी, और प्रिंसी से कही तो देखो क्या करने लगी मुझे नहीं। और मौसम तो बहुत बेकार हुआ है, देखिए काफी मतलब एकदम ना जैसे अंधेरा जैसे फिर से हो रहा है, मुझे चादर बिछाने नहीं आता। जितना क्लचर था मेरा, देखिए सारा क्लचर, देखिए सारा क्लचर, देखिए इनमें से दो टूटा, मैंने यूज किया है तो बात ही नहीं होगी, बस एक को सही है। और दो क्लचर बताए किसने टूटा, मैं एक बार नहा के आई, गीला बाल था, मैंने क्लचर एक लगा लिया, अच्छे से लगाने मैंने दबाया, एक उस बार टूटा था, और एक बार मैं जा रही थी हॉस्पिटल में जब तबीयत खराब था, मुझे ऐसी क्लचर से करना था, मैं क्लचर करी उसमें भी ऐसे थोड़ा प्रेस करी वो भी टूट गया,
अब मैं मेरी क्या गलती है। चलो मम्मी का फेवरेट कलर जो थे ये रेड वाला। चलो अब रख रही हूँ ना। और आज ना ये खेल देख के आप लोग को भी बचपन की याद जरूर आ गई होगी, क्योंकि हम सब भी बचपन में ऐसे ही चद्दर का घर बना के खेलते थे। तो आज बस प्रिंसी भी अपना वही कर रही थी, और उसके बाद यहाँ पे ना जिस हाथ में मेरे प्लास्टर लगा ना, हाथ पता नहीं क्यों ना ये जो उंगली है ना तो बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही थी। तो बस वही प्रिंसी से खूब अच्छे से गीला कपड़ा करके पोछ, वैसे मैं नहाते समय करती हूँ, लेकिन अपने हाथ से क्या ना कि कोने कोने में नहीं हो पाता, तो प्रिंसी से मैं इसे, क्योंकि मैं हाथ पलट नहीं पाती हूँ, तो बस प्रिंसी से मैं वही कह रही थी। वही मम्मी भी देखो बर्तन वर्तन सब धुल चुकी हैं, और इस समय करीब शाम के 4 या 4:30 होता होगा। और इस बीच ना मैं काम बिल्कुल भी नहीं करी, तो मेरे इस वाले हाथ का ना नाखून बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो प्रिंसी मुझे लगाने लगी थी नेल पेंट, क्योंकि कह रही थी कि मम्मी आपका हाथ मतलब जो नाखून है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बड़े बड़े हो गए हैं। तो प्रिंसी मुझे नेल पेंट लगाने लगी, और नेल पेंट लगाने में ना सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, क्योंकि जब काम करते रहते ना तो काम करते करते हम सबके तो नाखून ही सब मतलब बिल्कुल बढ़ ही नहीं पाते हैं, और सारा शौक रखा रह जाता है। लेकिन इस बीच काम नहीं पड़ रहा था जिस वजह से नाखून मेरे काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो प्रिंसी इस पर नेल पेंट लगाने लगी थी, ये देखिए हाथ में नेल पेंट लगाया है। अब बताए कैसे लगाया है। अब मम्मी जाए हाथ में नेल पेंट लगाने, क्या मदद करे क्या। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंसी करने लगी थी डांस, और मुझे भी कराने लगी थी डांस, जो कि मुझे डांस के मामले में बिल्कुल जीरो हूँ ना, तो मुझे डांस आता है बिल्कुल, लेकिन प्रिंसी काफी अच्छा कर रही थी और मुझे बता रही थी कि मम्मी आप इस तरह से करो। तो आज देखिए आ गई है मेरी किरण दीदी, और इन्हीं को लेने गए थे, क्योंकि इसीलिए आज ये दुकान नहीं गए थे। और दीदी एक हफ्ता के लिए आई थी गांव, तो बस एक ही दिन के लिए आई हैं घर पे, और इन्हीं के घर पे आप लोग जैसा अगर मेरा पिछला ब्लॉग देखे होगे तो मैं इन्हीं के मतलब अभी मई में इन्हीं के यहाँ गई थी देहरादून, इन्हीं की शादी की सालगिरह थी आप लोग को जैसा कि पता है। तो इसी बीच ना क्या है कि सावन में वहाँ हरिद्वार में छुट्टी पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर रोड पर बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलने देते हैं, तो छुट्टी पड़ी थी। इसी बीच दीदी भी यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि इनकी भी सब जगह की मान्यता थी दर्शन करने की, तो आ गए थे। दीदी भी यहाँ पर देखिए बस एक दिन के लिए आई थी, तो एक दिन के लिए तो भाई मम्मी से भी 2-3 साल हो गया था दीदी को मिले, तो फिर बस दीदी आ गई थी, तो मैं कही चलो। और आज दीदी पता है बनारस दर्शन करके आई हैं, तो मैं कही सबसे पहले मैं उनका पैर धुल दूँ। एक दीदी मना कर रही थी, कहीं नहीं ना पुण्य का काम मिला है, मैं कहीं नहीं। और उसके बाद मैं एक ही हाथ से दीदी कहीं नहीं मत कर लगे, मैं कहीं नहीं एक ही हाथ से मैं ज़रूर दीदी का पैर धुलूंगी। तो बस यहाँ पे देखिए दीदी से होने लगी थी बातचीत, और यही सब फिर से होता है ना कि कोई आता जाता तो फिर से वही सब बात शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पे दीदी ले आई थी मीठा, सब खा मीठा खा के पानी पीने लगे थे। कान्हा जी को मैं सबसे पहले निकाल दी थी भोग लगाने के लिए, कान्हा जी को मतलब एक प्लेट में 5-6 पीस निकाल के रख दी थी अलग से, उसके बाद सबको दी हूँ। और कान्हा जी को पहले खिलाने के बाद और उनको सुबह के लिए भी रख दी हूँ नाश्ता के लिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पर उसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी खाना पीना का, खाना पीना का मैं ये और दीदी मिलके बना लिए थे। और यहाँ पे ना दीदी बस अपने एक ही बेटे को ले आई हैं, और एक जन को छोड़ के आई हैं हरिद्वार में, और मतलब इसी तरह से आई हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अभी बैठ गई थी, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ बनाई नहीं थी, जैसा कि मैं आज व्रत हूँ तो मैं अपने लिए मेरा मन नहीं किया कुछ भी बनाने के लिए, तो मैं बस ऐसे पेठा रखा था, मैं 2 खा के पानी पी ले रही थी, और आम रखा था, ये मुझे आम दे दिए थे काट के। लेकिन आम क्या हुआ ना, आम बहुत ज़्यादा खट्टा था, मेरे से बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। तो सावन में आज सबसे सुबह से मतलब आज के दिन दीदी का ही सुबह से इंतज़ार हो रहा था, अब आएंगी अब आएंगी अब आएंगी, तब जाके दीदी शाम को आई हैं। और यहाँ पे देखिए मुझे आम मिला था ना, आम बहुत ज़्यादा खट्टा था, मेरे से खट्टा चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। और दीदी के आने की ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है, क्योंकि दीदी काफ़ी दिनों पर आई हैं। वैसे तो हम लोग इनसे मिल आए थे अभी मई में, लेकिन मम्मी नहीं मिल पाई थी, और खाना पीना सब खाया था, इसके आगे का मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। अब जो होएगा आप लोग को अगले ब्लॉग में पूरा बताऊँगी। बस यहाँ पर चलिए आज
बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मेहनत करती हूँ कि चलो आप लोग को थोड़ा बहुत भी अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग के जैसा कि मैं बार बार करती हूँ मुझे आप लोग का कमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। व्यूज़ का मुझे इतना नहीं होता जितना मुझे कमेंट आप लोग का अच्छा लगता है। तो चलिए आप सबसे मैं अगले ब्लॉग में मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।